डिजाइन करेंगे आज छोटा सा एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर और सिमुलेट करेंगे ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर जिस पर सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया डिजाइन करने से पहले सिमुलेट करती है। हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इस डिवाइस की डिमांड है, जैसे फैन रेगुलेटर, लैपटॉप्स या लाइट डिम करने के लिए एक्सेट्रा। बेसिकली इसमें काफी वेरियंट्स हैं, जिनमें से कुछ तीन वेरियंट्स आपके सामने हैं जो ज्यादातर सर्किट्स में यूज होते हैं। बात करेंगे इनकी वैल्यूज की, तो इनकी वैल्यूज हैं 5K, 4K और 4.7 तक के आसपास। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ एंड वेलकम टू माय स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। Here is the demonstration of this practical using Proteus 8 Professional. आप इस सॉफ्टवेयर में जितने भी दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करना चाहो कर सकते हो। आपके पास इनमें हजारों की तादाद में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको आप सर्किट बनाने से पहले ही विजुलाइज कर सकते हो कि आखिर ये सर्किट चलेगा या नहीं। ओपन कर लेते हैं प्रोटीस को एंड देन लेट्स ड्राउन इनसाइड। ऑलराइट, तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। फर्स्ट में हमसे मांग रहा है आपने स्कीमेटिक बनानी है, तो आई वुड से यस आई हैव टू। सेकंड में पीसीबी लेआउट मांग रहा है, सो इट्स नॉट, वी डोंट वांट एनी पीसीबी लेआउट बिकॉज पीसीबी इज बेसिकली आपका सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें ड्रिलिंग करके कंपोनेंट माउंट करते हैं और फिर उसकी सोल्डरिंग की जाती है। हमें बेसिकली फर्मवेयर तो नहीं चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट एंड देन देयर इज अ फाइनल लेआउट ऑफ अवर प्रोटीस। प्रोटीस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर का होना लाजमी है। सिमिलरली कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए लाइब्रेरी का होना लाजमी है। ओके, कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यूज आते हैं लाइक नो लाइब्रेरीज फाउंड, तो उसका सिंपल ये सॉल्यूशन है कि आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, फिर आपकी लाइब्रेरी वाला इशू खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग अवर एक्सपेरिमेंट। हमारा प्रोटीस खोलने के बाद सबसे पहला काम कंपोनेंट्स ऐड करना होता है। वो कहाँ से आएंगे, आपने जाना है कंपोनेंट मोड में
यहाँ पर पी और एल का ऑप्शन होता है। बेसिकली पी पर क्लिक करने के बाद आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में अब आपने अपने कंपोनेंट्स ढूंढने जो हमने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए हैं। लेट मी शो यू नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क। स्टे ट्यून्ड। जीरो परसेंट पर इसकी रेजिस्टेंस कम हो तो एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम फ़ैन रेगुलेटर करें, जब वो तेज़ होता है तो उसकी रेजिस्टेंस 0% होती है। अगर इसी तरह मैं इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा करूं तो एलईडी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, लाइक दैट 100% पे एलईडी मुकम्मल बंद हुई है। अब इसको मैं 0% पर करूँ तो एलईडी मुकम्मल तौर पर ग्लो करने लग जाएगी। That's all for today. I hope you enjoyed this basic circuitry of electronics. Give this video a big thumbs up. Feel free to share your thoughts below in a comment box and be sure to hit that subscribe button before you go. Fi amanullah. Goodbye.